अस्सलाम वालेकुम। ठंडी ठंडी सुबह में गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह किचन में आने से पहले मैं बाहर का दरवाज़ा खोल के ठंडी हवा में सांस लेती हूँ। अंदर तक रूह ठंडी हो जाती है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने बेटे के लिए लंच बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। वो सुबह सुबह 7 बजे जॉब पे जाता है, 5 बजे तक तो उसको नाश्ता और खाना मैं साथ ही दे देती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। अंडों को तोड़कर मैंने सीधा फ्राई पैन में ही डाल दिया, उसमें नमक मिर्च डाल के टॉस किया, उसको मिक्स किया और उसको उतार लिया। और मैंने फिर ब्रेड को अच्छी तरह से टोस्ट किया और उसमें चिपोटले सॉस लगाई। दूसरी तरफ मैंने शामी कबाब बनाए थे, वो भी उसके लिए एक सैंडविच बनाना था, उसके लिए भी बंद को मैंने अच्छी तरह से टोस्ट किया और उसको मैंने सॉस लगाई ऊपर। हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था वो लगाया और उसके लिए सैंडविच तैयार करके पैक कर लिया। औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ को अपने हाथ से काम करके उसके लिए खुशी होती है। साथ ही उसके पानी पीने के लिए मैंने वाटर फ्लास्क बनाया उसके लिए, उसमें पानी बहुत अच्छा ठंडा रहता है सारा दिन के लिए। बर्फ़ डाल के मैंने उसको बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अच्छी तरह से किचन की सफाई कर दी। फिर मैंने घड़ी में देखा तो 8 बजने वाले थे, जल्दी से बाहर भागी क्योंकि गार्बेज ट्रक आने वाला था और आज रिसाइकल डे था। हम लोग ऐसे बाहर रिसाइकल, इस तरह से कंपोस्ट का एक डब्बा होता है, उसमें सारा गार्बेज में हम फेंकते नहीं हैं फूड आइटम्स, वो हम ऐसे ग्रीन डब्बे में रिसाइकल करते हैं, कंपोस्ट करते हैं। तो अगर हम किसी ने फूड आइटम उसमें गार्बेज में फेंकते हैं तो उसको फाइन लग जाता है। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, हरे प्याज वाला अंडा बनाया मैंने, बस इस जल्दी से फ्राई किए प्याज और उसमें अंडे तोड़ के डाल दिए और नमक मिर्च डाली, उसको उसे जल्दी से उल्टा पुल्टा किया और मेरा अंडा तैयार है। यम्मी। फिर मैंने रिलैक्स करके नाश्ता किया और उसके बाद मैं ऊपर के फ्लोर पे चली गई, उस उधर से मैंने थोड़े सफाई करी। और उसके बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो बहुत स्नो पड़ी हुई थी और जो हमारे नेबर्स वाले थे वो अपनी स्नो को साफ कर रहे थे। फिर मैंने साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। पनीर मसाला बनाना था, बस उसके लिए जल्दी जल्दी मैंने प्याज काटे, उसको जल्दी से फ्राई किया। बस जब वो फ्राई होने लग गए उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, फिर नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया डाल दिया और क्रश किया हुआ जीरा और साथ ही साथ सौंफ को क्रश करके डाल दिया। फिर इस मसाले को खूब भूना मैंने उसको, ताकि वो जल ना जाए। फिर उसमें पानी डाल डाल के तो मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया कि उसकी स्मेल जरा उसकी कच्चेपन की निकल जाए। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेकर उसको चॉप करके उसमें डाल दिया। फिर प्याज फाइनली चॉप करके इसमें डाल देने हैं, रेड बेल पेपर उसको भी फाइनली चॉप कर लें, जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं लाल कलर की, तो वो सब डाल के आप थोड़ा सा उसको मिक्स करें, उसको अच्छी तरह से पकाएं और फिर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर उसको उसमें मसाले में मिला दें। आपका पनीर मसाला तैयार है। मुझे कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी और फिर मैंने जल्दी से पानी उबाला और अपने लिए कॉफ़ी का एक कप बना लिया। बाहर बहुत मौसम ठंडा और हसीन हो रहा था, धूप निकल रही थी और बर्फ़ चारों तरफ थी और ठंडी ठंडी हवा थी। ऐसे में आप बैठें चुपचाप रिलैक्स करें और कॉफ़ी का एक कप आपकी यादों को ताज़ा करता है।